हम बोले कहो फिर से, आप बोलिए कम लोग फिर से, कहो फिर से, फिर से तो अंकल ये बताइए, आज आप लोग ये खरसंग चार्ली में क्यों इकट्ठा हुआ है? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम लोग का कैंडिडेट कामलुंग मोसांग, जैसे कि पार्टी टिकट बीएपी का लेकर के आ रहा है, इसको वेलकम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए आप लोग कामलुंग मोसांग को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कामलुंग मोसांग को ही, मतलब हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय में इंडिया में सबसे बड़ा अच्छा मतलब पार्टी है, और हम लोग का जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, समाज को सबको एक साथ लेके चलता है, इसलिए थोड़ा बता दीजिए। वैसे आज इसलिए ये कहता है कि हम लोग जो कामलुंग मोसांग जो हम लोग का विधायक है, इससे पहले वो मंत्री पद में भी बैठा है, तो इस बार फिर से दोबारा बीजेपी का जो कैंडिडेट उसको ये टिकट दिया गया है, उसकी खुशी में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अच्छा, आप कहाँ का रहने वाला है? मैं इंजन खरसंग का हूँ। जी, आप कौन सा समुदाय से बिलोंग करते हैं? मैं लिसु समुदाय से। अच्छा, तो लिसु के जो समुदाय के लोग हैं वे खास करके ज़्यादातर कामलुंग मोसांग को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्यों कामलुंग मोसांग को सपोर्ट करते हैं, क्यों अन्य आदत को नहीं करते? क्योंकि वो एक ऐसा हम लोग का नेता है जो विज़न देख सकता है, जो कि आगे में क्या होना चाहिए, कैसा है, तो और इसके साथ साथ हम लोग का समुदाय जो अभी विजयनगर क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से काम किया हुआ है, आप लोगों को भी पता है कि ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम किया है, तो ये इसके ही टेन्योर में ऐसा हुआ है। हम लोग आसिया में वार्म वेलकम कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कामलुंग मोसांग सर के लिए। अच्छा, क्यों वेलकम कर रहे हैं आज? जो टिकट लेके आ रहे हैं बीजेपी का, इसके लिए। अच्छा, आप लोग आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए कामलुंग मोसांग को सपोर्ट करते हैं? जी, हम लोग यहाँ में जितने भी सपोर्टर यहाँ में हम इकट्ठे हुए हुए, हम कामलुंग मोसांग के सपोर्टर सब। अच्छा, कामलुंग मोसांग को ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि वो अगर नेता, अगर एक नेता कैसा होना चाहिए बोलने से, तो हमारा कामलुंग सर जैसा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ है, बहुत पेशेंट है, और जो गरीब लोग है उन लोग के लिए बहुत सहायता करते हैं, और बहुत डेवलपमेंट के हैं जो मैं अभी शायद अभी आपको नहीं बता सकते हैं, मैं बहुत डेवलपमेंट के हम लोग फिटीमियों में। अच्छा मैडम, आप लोग आज यहाँ पे कामलुंग मोसांग साहब के लिए रुका हुआ है ना? जी। तो कामलुंग मोसांग साहब के लिए इतना ज़्यादा इकट्ठा क्यों हो रहा है? सर बहुत अच्छा है, सर के लिए और कोई आदमी लोग सब लोग के लिए अच्छा है, इसलिए सर बहुत प्यारा आदमी है, सर के लिए सब लोग आया हुआ है, सर को बहुत अच्छा पता है आदमी लोग, उनका काम लोग जितना भी है, आज जितना साल हो गया सर का, जितना बार जीत गया है, सर ने बहुत लोग डेवलप किया है, इसलिए सर को बहुत कुछ काम में सर बहुत अच्छा किया है, लोगों को डेवलप किया है, विजयनगर हो, रोड हो, हर कुछ सर ने डेवलप किया है, इसलिए सर को अच्छा पता है आदमी लोग। आप लोग
यहाँ क्यों आया हुआ है? कमलोंग मोसांग को रिसीव करने के लिए, कमलोंग मोसांग सर को। अच्छा, कमलोंग मोसांग को आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनका क्या खूबी है जो कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? वो अच्छा लीडर है, सबको साथ लेके चलता है, सबको देखता है, सबके लिए हेल्पफुल है। जी ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप कहाँ का रहने वाली हैं? हम लोग गांधीग्राम का रहने। गांधीग्राम। अच्छा, आप लोग गांधीग्राम से आज यहाँ पे खरसंग चार्ली में खड़ा इकट्ठा है, तो क्यों इकट्ठा है आप लोग आज? सर, आज हम लोग का सर को वेलकम के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो सर कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आपने पार्टी टिकट लेके आए। तो सर आज यहाँ पे इतना सारा लोग आपको वेलकम करने आए, तो सर उनको कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, लास्ट 20 साल से एक्चुअली फोर्थ कंजीक्यूटिव टर्म मैंने कंप्लीट किया, अभी फिफ्थ के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, 50 मियाँ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का स्टार्टिंग से लेकर के आज भी है। एंड इस बार हम लोग सोच रहे कि जबकि नेशनल लेवल में भी मोदी सरकार बनने वाला है, स्टेट में पेमा खांडू का लीडरशिप में बीजेपी सरकार ही बनेगा, ये तो सबको पता है। तो इसलिए हमारा यहाँ इस कंस्टिट्यूएंसी 50 मियाँ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भी अच्छा टम्पिंग मेजोरिटी से हम लोग ने अपना एक टारगेट बना के रखा है। तो यहाँ का जो पब्लिक है, जनता है, 50 मियाँ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई डाउट नहीं है, जो पहले से था आज भी है और बेटर होगा, वही सोचता हूँ। सर, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि काफ़ी लोग ये भी जानने के लिए उत्सुकता रहेंगे कि आपका सबसे पहला मैनिफेस्टो सर क्या रहेगा? सर देखिए, मैंने थोड़ा पहले भी शायद कुछ मीडिया लोग ने पूछा था, तो मैं लास्ट 3-4 इलेक्शन में भी मेरा मैनिफेस्टो नहीं होता है, इस बार भी मैंने मैनिफेस्टो बना के नहीं रखा है। जैसे पहले करके आया हूँ, जैसे पब्लिक चाहता है, पब्लिक का रिक्वायरमेंट है, नीड से उसका नीड बेस में मैं चलता हूँ। तो इस बार में भी जो पब्लिक को चाहिए इस कंस्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट के लिए ऑल सेक्टर्स में, हम वही करके आया है, तो आगे में वही करते रहेंगे। प्रीवियस टाइम, लास्ट टाइम का कंपैरिजन में इस बार इलेक्शन आपका कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई है। लास्ट देखिए, सबसे पहले तो 1995 में मैंने पहले बार कंटेस्ट किया था एज एन इंडिपेंडेंट, एंड आई लॉस बाय अ मार्जिन ऑफ 1900 वोट से हार गया था। देन सेकंड 99 में फिर कंटेस्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट, सेकंड टाइम 360 वोट से हार गया था। तो थर्ड 2004 में 651 वोट से जीत हुआ। देन सेकंड जो विनिंग 2009-2700, उसके बाद में 2014 में हमारा मार्जिन था 3700, एंड लास्ट 2019 में 3800 समथिंग था। तो इस बार हम लोग 5000 पार करने के लिए सोच रहा है। सर, मेरा एक तरफ से एक सवाल है, जो भूले भट्ट के कोई अलग के साथ चले गए, आपके जो यहाँ के निवासी अलग पार्टी के साथ, तो उनको आप किस स्ट्रेटेजी से वापस लाने का सोच रहे हैं? अगर कोई भाई अपना भूले बिछड़े किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन हो चुका है, बीजेपी से अलग हो चुका है, तो उनको आप किस तरह से वापस लाने के लिए स्ट्रेटेजी सोचेंगे? नहीं देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में आना जाना होते रहता है। मैंने 6 कंजिकेटिव इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2 बार हारा, 4 बार जीता। तो उसमें जो 95 में मेरा साथ में था, कुछ लोग 99 में निकल गया, 95 में जो हमको गाली देता था 99 में मेरा तरफ आया, ऐसे करके चलते रहा। तो इस बार में भी 2019 में कुछ लोग जो मेरा साथ में था वो निकल जाएगा, लेकिन 2019 में जो कांग्रेस को सपोर्ट किया उसमें से बहुत लोग वापस आ गया। रिसेंटली मैं विजयनगर में भी टूर किया, वहाँ में लास्ट 6 टाइम का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा 2019 में हुआ विजयनगर सर्कल में, पर्टिकुलरली गांधीग्राम विलेज। लेकिन रिसेंटली जब मैं जाके देखा ऑपोजिशन जो मेंबर्स लोग का घर में बातचीत किया, तो हर घर में जहां भी मैं गया वहां हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। उसके हिसाब से
दिस टाइम 2024 में विजयनगर सर्कल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा पार्टी का, एंड यहाँ मियाओ खरसंग एरिया में भी बहुत अच्छा होगा। तो कुछ लोग जो नाराज होता है कुछ कारण से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड कुछ लोग जो है रिसेंटली जो पार्टी टिकट को लेकर के हमारा बीच में भारतीय जनता पार्टी का बीच में ही तो टिकट मांग सकता है, तो वो कोई क्राइम नहीं है। जब पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है तो सबका हक बनता है, सबका राइट बनता है टिकट मांगने का। तो मेरे हिसाब से अभी पार्टी टिकट हाईकमान ने पार्टी ने हमको दे दिया, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में था होना चाहिए, अगर कुछ निकल भी गया तो हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा सर, जैसे कि हमने भी काफ़ी सारे लोगों से बातचीत किया, आज आपके यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहे थे आपके वेलकम के लिए, तो सर आपका कंस्टिट्यूएंसी भी काफ़ी बड़ा है गांधी विजयनगर सर्कल से लेकर खरसंग तक, तो सर आप अभी इलेक्शन के लिए सबसे पहले कौन सा क्षेत्र से सर आप ये चुनाव प्रचार करने वाले सर? हम दो चार दिन नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अपना यहाँ का जो कमेटी बनेगा, सेंट्रल जो कैंपेन कमेटी होगा और सर्कल वाइज भी हमारा कमेटी बनेगा, तो उसका बाद में बैठ करके बात करेंगे हम कहाँ से शुरू करेंगे, नमचिक एन से स्टार्ट करेंगे या विजयनगर साइड से करेंगे या बीस से स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग अपना प्रोग्राम बना लेगा। थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे, आप लोग आज हम लोग का इस खुशी का दिन में आप लोग हम लोग के साथ शामिल हुए बोल के। देखिए अभी आप जैसे खरसंग में गैदरिंग दिखा था वो एक्चुअली हम लोग का सेगमेंट बहुत बड़ा है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो अभी खरसंग में आया है, अभी हम लोग और नंपाई वन में जाएगा, नंपाई टू में ऐसे करके बहुत ज़रा हम लोग का रिसेप्शन प्रोग्राम है, तो अभी यहाँ में ख़त्म करके हम लोग आगे तरफ में जाएगा और दो जगह पे रिसेप्शन का प्रोग्राम है, तो हम आप लोग से भी उम्मीद का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग भी आके हम लोग के साथ इस खुशी के अवसर पे आप लोग भी हम लोग के साथ शामिल होइए बोल के। अच्छा इस बार आप लोग का बीजेपी पार्टी का विनिंग कैपेबिलिटी कितना है? अभी सर ने बोला ही था आप लोग का, अपने जब से सर इलेक्शन लड़के आया हुआ है उसका विनिंग का जो मार्जिन है हमेशा ऊपर ऊपर होती रहे, तो पिछले साल 3800 पिछले इलेक्शन में 3800 से हम लोग जीता था, तो इस बार हम लोग पूरा पूरी कॉन्फिडेंस है 5000 हम लोग इस बार पार जरूर करेगा बोल के हम लोग ये उम्मीद रखा हुआ है। देखिए हमारा सर ऐसा है कि 20 साल से है, बहुत एक्सपीरियंस वाला एक मंत्री है हम लोग का यहाँ पे, और इंटायर अरुणाचल प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो हम लोग का सर जो है विजनरी बहुत हाई है, गोल बहुत, हम लोग का फ्यूचर बहुत देखता है हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो ऐसा आदमी को हम लोग चूज नहीं करेगा तो हम लोग का ही बहुत बड़ा गलती हो जाएगा उसमें। सर वो हमेशा जनता का ही भलाई के लिए सोचता है। अभी आप लोग ने पूछा था मैनिफेस्टो का बारे में, देखिए मैनिफेस्टो जब बनाता है तो कुछ लिमिट में होता है कि हम यही बनाएगा, लेकिन सर ने बताया आपको मैनिफेस्टो नहीं बनाता है, उसका मतलब ये है कि वो जो मतलब जो सोचता है उससे भी ज़्यादा बनाता है, जो पब्लिक डिमांड करता है वो तो देता ही है, डिमांड नहीं करने वाला चीज़ भी सर को लगता है कि यहाँ पे कुछ देना है तो वो जरूर करता है, इसलिए सर बहुत लोकप्रिय है यहाँ का, और हम उम्मीद रखता है कि जो कहीं वही दूसरा घर पे जा गया हुआ है वो लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी वापस आके मोदी सरकार पेमा खांडू सरकार और कमलोंग मोसंग जी को सपोर्ट करें बोल के, इसलिए इसमें हम रखता हूँ मेरी बात को।